www.alinamonmoon.com। मौलाना कल्बे जव्वाद, आपने अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी के बारे में बयान क्यों नहीं दिया? सबसे बड़ी निशानी चांद पर लिखा अली नाम है। मौलाना कल्बे जव्वाद, क्या आप अल्लाह के नाम अली और इमाम अली के नाम अली पर विश्वास नहीं करते? आप इमाम अली के शिया होने का दावा करते हैं, लेकिन चांद पर मौजूद अली के नाम पर आप चुप हैं। क्या आप मौलाना कल्बे जव्वाद चांद पर नाम को लेकर बयान देंगे या फिर चुप्पी साध लेंगे? आपने हजारों वीडियो बनाए हैं, लेकिन चांद पर इमाम अली के नाम के बारे में एक भी नहीं। अगर आप किसी से डरते हैं और नहीं जानते कि क्या करें, तो अली रिजवी की लिखी किताब इस काम में आपकी मदद करेगी। इमाम अली का नाम चांद पर लिखा है और मुसन्निफ अली रिजवी ने चांद पर इमाम अली के नाम के बारे में 370 सफहात पर मुश्तमिल किताब लिखी है। ये किताब अंग्रेज़ी में है, लेकिन गूगल ट्रांसलेट के ज़रिए आसानी से उर्दू ज़बान में तर्जमा की जा सकती है। किताब का नाम है चांद की निशानी नाजिल हो गई, इस्लाम पूरी दुनिया में फैल जाएगा। चांद पर इमाम अली का नाम अल्लाह की फ़तह का झंडा है। किताब www.alinamonmoon.com से डाउनलोड की जा सकती है। चांद पर इमाम अली के नाम के हवाले से कराची पाकिस्तान में 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस की मुकम्मल वीडियो यूट्यूब पर उर्दू ज़बान में देखी जा सकती है। इस वीडियो में हमने चांद कॉन्फ्रेंस पर इमाम अली के नाम का सिर्फ 10 मिनट का वीडियो ट्रेलर दिखाया है। www.alinamonmoon.com। इतने बड़े खुदा ने अपना है। अब मौला अली अलैहिस्सलाम ने, तवज्जो रखिएगा, मशारिकुल अनवार बहुत मशहूर किताब है, उसमें एक मर्तबा खुतबा दिया है मौला अली अलैहिस्सलाम ने मशारिकुल अनवार में। और एक खुतबा जो मौला का है, वो तालिब जोहरी साहब ने अपनी जो किताब लिखी इमाम महदी अलैहिस्सलाम के मुतालिक, उसमें खुतबा इफ्तिखारिया का हवाला दिया है। उसमें बिल्कुल ऐसी ही कैफियात है खुतबा इफ्तिखारिया में, लेकिन इन्होंने बिल्कुल आखिरी हिस्सा दिया ज़हूर महदी अलैहिस्सलाम की जो अलामात है उनके मुतालिक। सलावत पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब मौला अली अलैहिस्सलाम से सलमान और बूज़र ने पूछा है, रिवायत शिया रिवायत है, सलमान और बूज़र ने, तो मौला अली अलैहिस्सलाम, लंबी बात है आखिरी हिस्सा पेश कर रहा हूँ, कहा या सलमान अना अबू कुल्ले मोमिन व मोमिना, ए सलमान मैं हर मोमिन और मोमिना का बाप हूँ। या अली या अना तामतुल कुबरा, अरे मैं वो सबसे बड़ी, ये कयामत के नाम है, मैं सबसे ज्यादा बड़ा गिरा देने वाला हूँ, पनाह कर देने वाला, अनल हाका तो अनल कारिया तो अनल गाशिया, अरे मैं ही हूँ हाका, मैं ही हूँ अलकारिया, मैं ही हूँ अलगाशिया, अल्लाह अकबर, अनल मुमतहना तुन नाजिला, मैं अली हूँ जो नाजिल होने वाला इम्तिहान हूँ। और कहा वह नहनो आयातो व दलालातो वल हुजब वल वजहुल्ला, और ए सलमान अबूजर हम अहले बैत हैं कि जो अल्लाह की आयात हैं, जात की दलीलें हैं, अल्लाह के हिजाब है, अल्लाह के तारुफ की वजह है। बात खत्म नहीं हुई, आयत रिवायत जारी है। एक मर्तबा मौला ने झूम के सलमान की तरफ देखा और इस मकाम के कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर इन्नी कोतबा इस्मी अलल अर्श फस्तकर्रा, यकीनन ऐ सलमान जब मैंने अपना नाम अर्श पे लिखा तो वो कायम हुआ, वो अलस समाए फकामत आसमानों पे लिखा तो वो खड़े हो गए, वो अलल अर्ज फरशत और जब जमीन पर लिखा तो बिछ गई, वो अलल जिबाल फरसत मेरा नाम पहाड़ों पर लिखा तो वो जमीन में गड़ गए, अल्लाहु अकबर, वो अलल रीह फजरत और जब हवा पे लिखा वो चलने लगी, वह अनल बर के फलामा आ जब बिजली पर लिखा वो चमक उठी, अल्लाह ये अली का नाम है, जब बिजली पर लिखा तो वो चमक उठी, वह अलग डर के फम आ बारिश के कतरों पर लिखा तो वो गिरने लगे, वह अलग नूर फसता और जब नूर पर लिखा वो रोशन हो गया, वह अलग सहाब और वह फदामा आ जब बादलों पर लिखा वो बरसने लगे, वह अलग रादे फखचा मेरा नाम जब बिजली की कड़क पर लिखा गया वह खुशू खुशू से गिड़गिड़ाने लगी, वह अलग लैले फदुजा
वह अजलम, और जब रात में लिखा तो वो तारकाली हो गई, तारीख हो गई, वह अलन नहारे वह नारा व तबस्सम, और जब दिन पर लिखा मेरा नाम तो वो रोशन हुआ, मुस्कुरा उठा। अब बताओ कायनात की, जब हर चीज पर मौला अली का नाम है तो अगर चांद पर एक वाहिद चीज है जिस पर अली का नाम नहीं होगा, सिर्फ एक चांद रह गया जिस पर नहीं होना। कायनात की हर चीज पर मौला अली का नाम है तो सिर्फ चांद रह गया। मौला ने कहां पे कहा कि मेरा नाम चांद पर नहीं होगा? हर चीज पर मौला अली का नाम है। की बात थी सकाफत की, अब आपकी शरीयत की बात है कि भैया तहजीब व सकाफत तो जुड़ी हुई है चांद सूरज से, सितारों से, आफ्ताब से, बुरूज से, लेकिन आपकी शरीयत भी खारिज नहीं है चांद सूरज से। बगैर उसके एक कदम शरीयत और फिका नहीं चढ़ सकती, लड़खड़ा के गिर जाएगी। इसलिए कि सूरज से तशबीह दी कुरान में अल्लाह ने नबी को, चांद से तशबीह दी इमाम को अली को, और नबी ने अपना पूरा दीन अली के हवाले कर दिया, यानी सूरज ने अपने हुकूक चांद को दे दिए। अब कयामत तक शरीयत सूरज से नहीं चलेगी, चांद से चलेगी। क्या वादा कर रहे हैं आप? जैसी वादा करनी चाहिए, इसलिए कि आप इतने सुनने में इतने मजे में महव हो जाते हैं कि हमारा अजर देना आप भूल जाते हैं। कौन सुनाएगा आपको ये बातें? शरीयत सूरज से नहीं चल रही, शरीयत चांद से चल रही है। अगर चांद ना निकले तो ईद नहीं होती। चांद ना निकले तो रमजान नहीं होता। अरे अगर आज ना निकले तो ईद मिलादुन्नबी गया। चांद निकले तो तौहीद का काम हो, चांद निकले तो अव्वल तौहीद, दूसरे रोजे, वाजिब रोजे रख के नहीं जा सकते। जब तक चांद ना हो रोजे भी चांद, अगर चांद ना हो तो जकात वाजिब नहीं होती, चांद ना निकले तो जिहाद नहीं होता, चांद ना निकले तो खुम्स नहीं मिलता। और कोई ये पूछे, तुम तो कहते हो 12 इमाम, चांद तो एक, अहमक, चांद तो एक ही है लेकिन साल में 12 बार चढ़ता है। अव्वल आना मोहम्मद, आखिर आना मोहम्मद, वौसत व कुल्लु आना मोहम्मद। चांद एक ही है, मोहम्मद एक है, कभी अली बन के आया, कभी हसन बन के आया, कभी हुसैन बन के। हाँ, शरीयत जो है वो चांद से मुताल्लिक है, इसलिए कह दिया जंतरी ना हो तो कैसे पता चले कि आज चांद जो है 3 दिन तहतुश्वा और अकरब में रहेगा। क्या मतलब है? ये सूरज को कोई परेशानी नहीं हो रही? नहीं साहब, सूरज तो बादशाह है, उसके पीछे अकरब नहीं लग सकता, लेकिन चांद के पीछे अकरब लगाए, वो भी 3 अकरब पीछे लगे। ये क्या हुआ? सूरज निकला, सूरज निकला, सब चीजें नुमाया हो गई। इधर सूरज डूबा और जैसे ही चांद निकला सब निकल पड़े, चोर भी निकल पड़े, सांप भी निकल पड़ा, बिच्छू भी निकल, हशरातुल अर्ज, कीड़े रेंगने लगे। पता चला जब चांद का दौर आता है तो सब कुल बुलाने लगते हैं। तो भाई सूरज का दौर खत्म हुआ, चांद का दौर कयामत तक जा रहा है। आपकी शरीयत सूरज से नहीं जुड़ी हुई है, चांद से जुड़ी हुई है। और गालिब ने यही कहा कि सूरज के बाद आपको चांद को मानना है, चांद को मानना है। तो चांद जो है वो अली है।
खसूसी शिरकत करने के लिए जो नार्वे से तशरीफ लाए हैं मुबल्लिग़ इस्लाम अल्लामा सैयद ताहिर अली काज़मी साहब को कि वो अपना खुतबा पेश करें। अल्लामा सैयद ताहिर अली काज़मी साहब, नारे तकबीर। उनको अल्लाह ने अपने फजल से अता किया है। देखें चांद पर कितने साल हो गए, हम कहानियां सुनते चांद पे बुढ़िया रहती है। यूरोप में लिखा फेस इन द मून, चेहरा है चांद के ऊपर। कोई कह दे चांद के ऊपर टेढ़ी मेढ़ी लकीर लगी हुई है, कोई कुछ कह दे, कहा गौहर शाही है यहाँ के, किसने कहा उसकी तस्वीर है। सारी दुनिया ने मान लिया, इंसानियत का मिजाज है ऐसा कि जो भी बेमकसद बात है उसे मान लेते, कि जो बेमकसद बात हो उसे मान लेते हैं, लेकिन जहां पे मकसद नजर आए उसको मानने से रुक जाते। क्यों? क्योंकि वहां जहां मकसद है वहां फजल है, जहां फजल है वहां हसद है। जहां जहां फजल है वहां हसद है, वहां हसद है। भाई देखें कोई ये फजीलत भी अली को मिल गई। याली भाई ये फजीलत भी अली को मिल गई। मुझे हैरानी है कि मुसलमान अली का नाम लेने से क्यों घबराता है। अली आए तो इस्लाम आया, अली ने आंख खोली तो हिकमत के दर खुले, अली बोले तो कुरान को जुबान मिली, अली ने हाथ उठाया तो अदालत को मीजान मिली, अली चले तो तौहीद के चराग चले, अली ने अली बड़े तो कुफर की जुल्मत भागी, अली सोए तो रिसालत की किस्मत जागी, अरे बिस्तर पे कदम तो नफसुल्ला बने, खैबर में अलम तो यदुल्लाह बने, मंजरे कौसैन पे नजर तो ऐनुल्ला बने, कौसैन अली के किनारे, कौनैन अली के सहारे, बिगड़े तकदीर इस्लाम तो रिसालत अली को पुकारे, अरे तुम किस इस्लाम में चल पड़े प्यारे, अली को छोड़कर किनारे किनारे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, फिर अदा कीजिए अल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, फिर अदा कीजिए सुभान अल्लाह सुभान, क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान, क्या कहने। जहां जहां तौहीद की इबादियत है वहां वहां अली की विलायत है, जहां तक रसूल की रिसालत है वहां वहां अली की खिलाफत है, जहां इस्लाम का इख्तदार है वहां अली की हिदायत है। अरे तुम अली का नाम क्यों नहीं लेते, क्या शिकायत है। अली का नाम लेना मोमिनों की इबादत है, अली का नाम लेना मुजाहिदों की आदत है, क्या कहने, नाम अली मुश्किल कुशा है ये जिब्रील जानता है, अली का नाम जीत की अलामत है कौमी टीम मानती है, अली का नाम फतह की जमानत है पाक फौज जानती है, सारा जहां अली से सारा जहां पढ़ रहा है, अली से सारा समाज चल रहा है, हर दम अली अली है, हर कदम अली अली है, नगर नगर अली है, गली गली अली है, पहले जमीन पर भी अली अली था, आज चांद पर भी अली अली। नारे हैदरी, चमन चमन गली गली, नगर नगर गली गली, नारे हैदरी। अल्लाहु अकबर। भाई ये हर मकाम पर कायनात में अली इसलिए है, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युक्ती है मैं ये शाह, ये अल्लाह का फजल है जिसे चाहता है देता, वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, 62वें सूरतुल जुम्मा की 5वीं आयत है, वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। और अल्लाह कैसा है,
वो अजीम फजल वाला है। अब जिसे रब्बे कायनात अजीम कहे, कितना बड़ा फजल होगा। रब्बे कायनात की अजमत का तकाजा है कि जिस फजल को अजीम कहे, उस फजल का तासुर कायनात में हर मकाम पर नजर आए। फजल का तासुर कायनात में हर मकाम पर नजर आए। इसलिए हर जगह अली अली है कि अल्लाह और रसूल ने चाहा है कि अली अली हो। अली रिज़वी इज़ ऑथर ऑफ बुक टाइटल्ड द साइन ऑन मून हैज बीन रिवील्ड इस्लाम विल टेक ओवर द वर्ल्ड। द बुक टाइटल्ड द साइन ऑन मून हैज बीन रिवील्ड Islam will take over the world can be downloaded from www.alinameonmoon.com.